बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के नेता के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की और 5 से 10 सदस्य सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। यदुनंदन नगर में पुराने निवास पर जांच चल रही है। सीजीपीएससी फर्जीवाड़े में एफआईआर जो दर्ज की गई है उसकी जांच चल रही है। राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का भी मामले में नाम था। कांग्रेस के नेता राजेंद्र शुक्ला और अभी मौजूदा समय में छापेमारी का दौर, 5 से 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम मौके पर मौजूद है। सीजीपीएससी फर्जीवाड़ा में एफआईआर की जांच चल रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई उसी के तहत जांच की जा रही है। राजेंद्र शुक्ला के बेटे स्वर्णिम शुक्ला का भी मामले में नाम था, तो इस जांच को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो कांग्रेस के नेता के घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है और लगातार अभी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है? 5 से 10 सीबीआई के सदस्य जो टीम है वो मौके पर मौजूद है, क्या अभी तक कुछ पता चल सका इस मामले में? देखिए, ये सुबह तड़के जो है ये टीम पहुंची हुई थी यदुनंदन नगर स्थित जो राजेंद्र नगर, राजेंद्र शुक्ला है कांग्रेस नेता, उनके घर दबिश दी है। और चूंकि लगातार जो टीम है वो बंद कमरों पे पूछताछ कर रही है, जिस तरीके से 2022 में पीएससी भर्ती घोटाला मामला निकलकर सामने आया था और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए उन्हें सौंपा गया था। और यही इसी कड़ी पर जो है कि जो टीम है वो सुबह तड़के राजेंद्र शुक्ला के मकान पर पहुंची, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला का जो पुत्र है स्वर्णिम शुक्ला वो डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है। ये उसी समय बनाया गया था जिस समय ये पूरे मामला उजागर हुआ था। फिलहाल जो सीबीआई की जो 5 सदस्य टीम है वो बंद कमरे में अभी भी पूछताछ कर रही है। घर के अलग अलग जो सदस्य हैं उनको एक एक करके पूछताछ कर रहे हैं और इस पूरे मामले से जुड़े लोग जो अन्य जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ का सिलसिला जारी है। जब तक के इस पूरे पूछताछ का सिलसिला खत्म नहीं हो जाता तब तक के बहुत कुछ कह पाना मुश्किल होगा कि सीबीआई को क्या कुछ वहां से बरामद हुआ है, इस परीक्षा में भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई क्या दस्तावेज उनको हासिल लगे हैं, ये फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा कहा था सरकार बनने से पहले कि जब वो सरकार पे आएंगे तो पीएससी जो घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वजह है कि अब लगातार जो है सीबीआई की जो टीम है वो दबिश दे रही है जिन लोगों पर इसका आरोप है कि इन्होंने गड़बड़ी की है और गलत तरीके से जो है इस पूरे पीएससी को प्रभावित करने का प्रयास किया है, उन पर दबिश दी जा रही है। और इसी कड़ी पर आज राजेंद्र शुक्ला जो कांग्रेस नेता है उनके निवास पर जो टीम है वो पहुंची हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। रायपुर में कुत्तों के काटने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं। मानव अधिकार आयोग ने एक आंकड़ा जारी किया है, 1,19,928 लोगों को कुत्तों ने काटा है। राजधानी रायपुर में ही सबसे ज्यादा कुत्तों ने हमला किया है और 1,00,000 से भी ज्यादा लोग आवारा कुत्तों का शिकार हुए हैं। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं आने जाने वाले लोगों पर। और एक आंकड़ा जारी किया गया है मानव अधिकार आयोग की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है, स्ट्रीट डॉग्स ने काटा है। राजधानी रायपुर में तो सबसे ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। इससे चिंता का विषय है कि आखिर क्यों राजधानी होने के बावजूद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। निगम और प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के दावे किए जाते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, बावजूद इसके ये सारे ही दावे खोखले साबित हो रहे हैं इन आंकड़ों के सामने। वो बहुत सारे एक्शन ले रहे हैं डॉग बाइट से बचाने के लिए, स्टेरिलाइजेशन कराने के लिए। उदाहरण तौर पर बताऊंगा कि दुर्ग ने 2,400 करीब डॉग को स्टेरिलाइज करने की खबर दिए है और संबंधित अन्य नगर निगम को भी हम सूचित किए हैं कि इसमें एक्शन लेने की बहुत आवश्यक है। और प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एनिमल एक्ट में प्रावधान है 11 सेक्शन 3 के अनुसार कि जो डॉग
पागल हो जाए या अत्यंत वायलेंट हो जाए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, क्या जानकारी मिल रही है रायपुर में, राजधानी में अगर इस तरह के हालात हैं तो बाकी जगहों पर क्या होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं लेकिन वो सब दावे खोखले। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बढ़ते डॉग बाइट के मामलों को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार के द्वारा जो है बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले साल के जो आंकड़े जारी किए हैं और जो आंकड़ा जारी हुआ है बेहद ही चिंताजनक है। पूरे छत्तीसगढ़ में पिछले साल में जो है 1,00,000 से ज़्यादा लोग जो है डॉग बाइट के शिकार हुए हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा मामला जो है वो सामने आया और राजधानी रायपुर में करीब 15,000 से ज़्यादा डॉग बाइट के मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं जो आंकड़ा अभी जारी हुआ है वो केवल सरकारी अस्पताल का, ऐसे में अगर प्राइवेट अस्पताल के आंकड़ों की हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है अभी और भी बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही लगातार इस मामलों को देखते हुए मानवाधिकार की टीम के द्वारा जो है इसे आमजन के स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक बताया गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर अपने आसपास चाहे पेट एनिमल हो या फिर आवारा कुत्ते हो, अगर इनसे आमजन को भय का अगर खतरा है तो इसकी जानकारी तुरंत विभाग को जो है वो दी जाए। इसके साथ ही लगातार इस बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर निगम की टीम के द्वारा भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। न्यू रायपुर में नगर निगम की टीम के द्वारा जो है डॉग शेल्टर का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, जहां पर कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। इसके अलावा एंटी रेबिस टीका भी जो है वो उनको लगाया जाएगा और हाल ही में हुए MIC की बैठक में इसको लेकर जो है वो चर्चा हुई है। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम का प्रयास जो है ये कितना सफल हो पाता है, लेकिन जो आंकड़ा मानवाधिकार के द्वारा जो है जारी किया है वो बेहद ही चिंताजनक है और इसको लेकर लगातार प्रयास जो है वो करना चाहिए। और आज ही मंत्री रामविचार नेताम ने भी इस मामले में कहा है कि कैबिनेट की बैठक में आगे इस मुद्दे को जो है वो उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर फैसला भी जो है वो आगे अहम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है कि कुछ निर्णय लिया जाए। तनु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे बिलासपुर की। 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 18 ट्रेनों को 13 दिनों के लिए रद्द किया गया है। आज से 11 दिनों तक वंदे भारत नहीं चलेंगी। गीतांजलि एक्सप्रेस हो, इंटरसिटी टाटा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। राजनांदगांव कलमना रेलखंड में काम चल रहा है, ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है और इसीलिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। 18 ट्रेनें हैं, रक्षाबंधन का पर्व है, लेकिन इस बीच अभी कुछ समय तक के लिए इसी तरह जो है इंटरलॉकिंग का जो कार्य है वो चल रहा है और इस लिहाज से जो कार्य है वो प्रभावित रहेंगे और कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है यात्रियों को। बिलासपुर से ही खबर, जहां एक बार फिर निगम का बुलडोजर चला है। उसलापुर स्थित गोखले नाले से अतिक्रमण को हटाया गया है, कब्जा कर बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था। निगम आयुक्त अमित कुमार ने एक्शन लिया है। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। गौरतलब है कि जगदलपुर के केशलूर गांव स्थित वेयर हाउस में रखे चावल से कीड़े निकल रहे थे जो ग्रामीणों के घरों तक पहुंच चुके थे। वेयर हाउस से निकलने वाले कीड़ों से आसपास के लोग काफी परेशान हो रहे थे। अब इन कीड़ों पर दवा का छिड़काव शुरू हो चुका है। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद वेयर हाउस और ग्रामीणों के घर को जो है दवा से छिड़काव किया जा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी जो हैं वो वेयर हाउस पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। तत्काल चावल को तालपत्री से ढकने के भी निर्देश दिए गए। गांव में भी हम लोग आज हमारे अधिकारी जगदलपुर से अधिकारी लोग आए थे तो उन्होंने सामने यानी उपस्थित होकर गांव में भी छिड़काव करवाए दवाई का। कीड़ा उड़ने वाला कीड़ा है? हाँ, सिर्फ उड़ने वाला रहता है। बड़े तादाद में निकलता है? नहीं, बड़े ये
ज्यादा देर के लिए नहीं निकलता है, यानी कम मात्रा में निकलता है, लेकिन उड़ने वाला रहता है, इसलिए उसकी लाइफ भी कम होती है। जशपुर में शराबी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था, वो भी लुंगी बनियान में स्कूल पहुंचा था शराबी शिक्षक, जिसके बाद बाहर चल दिए थे तब भी तो उसे निलंबित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया है। फरसा बहार विकासखंड का ये मामला बताया जा रहा है। और सुनिए इन शराबी शिक्षक को। नमस्कार, कैसे? बाग बाहर चल दिए थे तब भी तो पेंट कमीज पहन के आना चाहिए कि जाना चाहिए? अरे कुछ नहीं होता है, इसे आप मतवारी करते रहेंगे दिनों दिन तो अच्छा लगेगा। कल बोले 15 बार फोन कर रहे हैं आपको, बीओ उठा नहीं रहे हैं, मेरे को बुलाए वहाँ पर जबरदस्ती साइन करवाने के लिए एक ठो कागज में लो। तो क्या अच्छा लगता है वो सब? आप हेडमास्टर हैं, आपको जाना चाहिए साइन करने के लिए, पी के खाली घूमते रहेंगे। धंधका कर रहे हैं, धंधकाएंगे भी, मात के आओगे तो ऐसे में अच्छा लगता है ये सब? कहा सिग्नेचर देंगे, जाओ पीओ पास सब मांग के लाना। और अब खबर रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज तमाम विधायकों और नेताओं के साथ में बैठक है। पहली बार सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक हो रही है और कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग जाएगी। डीए और रेडी टू ईट के संचालन पर भी मोहर लग सकती है। खाद बीज को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। कर्मचारी से लेकर किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कैबिनेट की मीटिंग में आज कौन से वो अहम फैसले हैं जो लिए जा सकते हैं या कौन से अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है? आकाश, देखिए सीएम हाउस में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के जो है वो तमाम सदस्य मौजूद होंगे। सीधा सरकार का फोकस है कि कर्मचारी, किसान, युवा और महिलाओं पर जो योजनाएं चल रही है उसका क्रियान्वयन किस तरीके से बेहतर हो, इस पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के डीए पर मुहर लग सकती है। 4 लाख से ज़्यादा शासकीय कर्मचारियों को सीधा लाभ इससे मिलेगा, क्योंकि हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने सरकार से मुलाकात की थी और इस पर सरकार ने भी हामी भरी थी। जब विपक्ष में भाजपा की सरकार थी तो इसको लेकर भी गारंटी, मोदी के गारंटी के तहत कर्मचारियों के डीए बढ़ाने और अन्य जो मांग है उसको पूरा करने की बात कही गई थी। इसके साथ ही जो रेडी टू ईट को स्वसहायता समूहों के माध्यम से संचालित करने पर फैसले हो सकते हैं, किसान खाद बीज इस पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और मुख्य चर्चा जो होगी वो योजनाओं को लेकर होगी, क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार जो है वो लोगों से जुड़े जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, उस पर लगातार समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा बैठक भी ली जा रही है किस तरीके से जमीनी स्तर पे उसको पहुंचाया जाए, इस पर केंद्रित है। और कलेक्टरों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, हर 15 दिन में इसकी समीक्षा विभागीय स्तर पर होती है और इसकी जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को दी जाती है और जो भी कैबिनेट बैठक होती है उस पर इस पर जो है वो चर्चा चलती है। तो 11 बजे बैठक प्रस्तावित है, 11 बजे से 1 बजे तक कैबिनेट की बैठक होगी। अब इस पर किन किन मुद्दों पर और जो फैसले होते हैं वो देखना होगा। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो अब देखना होगा 11 बजे किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। आगे बढ़ेंगे और रायपुर की बात करेंगे। बेंगलुरु नहीं गए 14 से ज्यादा पार्षद। जी हाँ, शैक्षणिक भ्रमण से पार्षदों ने इनकार कर दिया है। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दौरे पर नहीं गए हैं। बेंगलुरु मैसूर दौरे पर महापौर और पार्षद नए वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का अध्ययन करेंगे। 1 हफ्ते तक बेंगलुरु मैसूर का दौरा था। रायपुर में सिस्टम लागू करने की भी कवायद होगी और कई जनप्रतिनिधियों ने यात्रा कैंसिल कर दी है। अंतिम
रायपुर से एक खबर, जहां 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा और बेमित्रा में अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश हो सकती है 9 जिलों में। और हालांकि 2 दिन राहत भरे थे छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ही मौसम का मिजाज थोड़ा और बदलेगा और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है बिलासपुर, मुंगेली के लिए। इसके अलावा और भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर तेज बारिश होगी, इसलिए सावधान रहने की अपील की गई है। 9 जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश को देखते हुए। इसमें सरगुजा है, जशपुर है, कोरिया है, बलरामपुर है, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, बेमित्रा। तनु वर्मा सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। तनु, 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर आफत की बारिश, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी बीते 2 दिनों के लिए मानसून पर ब्रेक लगा था, जिसके बाद कल अचानक दोपहर में फिर छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में जो है बदलाव देखने को मिला है और कल दोपहर से ही अच्छी बारिश जो है वो दर्ज की गई। इसके साथ ही राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही हल्की मध्यम वर्षा जो है वो हो रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा जो है रायपुर और बिलासपुर संभाग के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया और इन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। इसके अलावा मौसम विभाग का ये कहना है कि मानसून का जो सीजनल कोटा होता है 1050 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर तक अगस्त में बारिश होने की जो है वो संभावना जताई जा रही, क्योंकि अगस्त में पिछले 10 साल से अच्छी बारिश का जो है वो ट्रेंड रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जो सीजनल कोटा है मानसून का वो भी इस महीने में जो है पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जून से लेकर अब तक की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 665 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है वो हो चुकी है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1100 मिलीमीटर का जो सीजनल कोटा है वो भी ये मंथ में जो है वो पूरा हो जाएगा। तो लगातार अच्छी बारिश का जो दौर है वो जारी है। अगर ये सीजनल कोटा मानसून का पूरा होता है तो ऐसे ही कई इलाकों में बाढ़ वाले हालात जो है वो देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर है। अगर सीजनल कोटा पूरा हो जाता है तो आगे हालात जो है वो और भी खराब हो जाएगा। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा लगातार लोगों से सावधानी बरतने की भी जो है वो अपील की जा रही है। फिलहाल लगातार मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी करने का दौर भी जो है वो जारी है और कई इलाकों में अच्छी बारिश भी जो है वो दर्ज की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी 9 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना है और मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी हुआ है। जशपुर में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई है। दंतैल हाथी के हमले में बुजुर्ग की जान चली गई। हाथी ने घर तोड़ने के बाद बुजुर्ग को कुचल दिया। दंतैल हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। हाथी के हमले से वन कर्मी भी बाल बाल बचे हैं। पथलगांव वन परिक्षेत्र के बनगांव की एक घटना है और यहां पर घर तोड़ने के बाद बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया, बुजुर्ग की मौत हो गई है। बलरामपुर में भी हाथी का आतंक है। हाथी ने युवक की जान ले ली है। घर से जंगल की ओर यह युवक गया हुआ था, लेकिन दल से बिछड़े हाथी ने युवक की जान ले ली। वन विभाग ने परिजनों को सहायता राशि भी दी है। रामानुजगंज वन क्षेत्र के चाकी गांव की घटना, 1 महीने में हाथियों ने 3 ग्रामीणों की जान ले ली। सरगुजा जिले के ग्राम पटकुरा और चिता घुटरी के बीच बहने वाली नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाने से स्कूल गए 2 दर्जन से भी ज्यादा छात्र नदी के दूसरे छोर पर फंस गए हैं। मामला मंगलवार शाम 4 बजे का बताया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों से सरगुजा में लगातार बारिश हो रही है। इस दौरान नदी नाले उफान पर हैं। मंगलवार को जब पटकुरा के प्राइमरी स्कूल में छात्र पढ़ने गए थे तो उसी समय तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और छुट्टी होने के बाद घर लौट रहे बच्चे दूसरी तरफ फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से नदी पार कराया गया। गौरतलब है कि यहाँ पुल नहीं होने की वजह से हर साल भारी बारिश के बाद ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। तो वही गरियाबंद में भी भारी बारिश की वजह से घर ढह चुका है। बाल बाल सभी लोग बचे हैं। घंटों मलबे में लोग फंसे रहे। मौके पर पहुंची प्रशासन और रेस्क्यू की टीमें। रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घर में पानी घुस रहा है। नवापार नगर पालिका का ये मामला देखे, घर को कैसे घर देखते ही देखते ढह गया। भारी बारिश की वजह से जो पुराने घर है वो ढह रहे हैं,
और ऐसे में बहुत जरूरत है कि कई साल पुराने मकानों का आप एक बार जरूर देखें और पड़ताल करवाएं कि क्या वो सही है या नहीं है, कितनी क्षमता के हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से पुराने मकान ढह रहे हैं। अंबिकापुर शहर में सड़क पर बारिश का पानी जमा होने से लोग परेशान हैं। शहर के खरसिया चौक से दरीमा चौक तक सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे कि राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं। सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारी परेशान हैं। गौरतलब है कि हर साल मानसून की भारी बारिश में ऐसी ही मुसीबतें आती हैं। स्थानीय लोग नगर निगम और जिला प्रशासन से लंबे समय से समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं।